गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से हम इंग्लिश जो है उसके इम्पॉर्टेंट जो पैसेज वगैरह हैं आज परीक्षा में आने वाले वो आपको हम फिर से समझाने जा रहे हैं। आप उसको ध्यान से समझिए। परीक्षा में इस प्रकार आएगा कि सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन होता है। इसमें प्लीज रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसमें आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, वो आपको पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि आंसर जो है आपको इसी पैसेज में। तो पहला है द कल्चर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली इज इन फैशन। प्रेजेंट पेरेंट्स आर ऑफन हर्ड कंप्लेनिंग अबाउट द डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अप चिकन दीज डेज। टू मच फ्रीडम इन डिमांड, टू मच इंडिपेंडेंस ओवर नाइट पार्टीज, एक्सक्लूसिव और पॉकेट मनी, नो टाइम फॉर स्टडी एंड फैमिली, all is common cry to such familiars. Aren't parents responsible for this painful state? The basic need of a growing youth in a family, love, attention, used bonding, along with normal values. One should not forget that charity begins at home. इस प्रकार ये पैसेज का जो है वो पहला जो पैराग्राफ पूर्ण हुआ। ठीक, अब इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको दिए हैं। Mention any two major common occasions or the nuclear family. तो इस प्रकार आपको पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो एक एक मार्क्स के रहेंगे, इसी में से आपको आंसर लिखना है। ठीक, इसी प्रकार रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। फिर से एक पैसेज दिया जाएगा दोबारा, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें भी आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सेक्शन भी आता है अगला, राइटिंग सेक्शन। इसमें लिखना है आपको, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल फॉर 3 डेज ऑफ सिक लीव। सिक लीव के लिए आपको एप्लीकेशन प्राचार्य जी को लिखना है, इसका जो है वो होगा ये 5 मार्क्स का। और यू आर नेहा सिंह, राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे। या आप ये लिखें या फिर एक जन्मदिन का जो भी है वो लिखें। क्वेश्चन 4 आता है, राइट एन इजी ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक। आपको निबंध जो है वो एक शीर्षक पे लिखना है जो 120 से 150 शब्दों के अंतर्गत होगा। ट्रीज गिफ्ट और नेम नेचर और एनी फेस्टिवल, या तो आप कोई त्योहार के लिए लिखें या आप पेड़ों से संबंधित प्रकृति से संबंधित कोई निबंध लिखें, ये होगा 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। आपको जो है पर्यावरण उसके से संबंधित लिखना है। फिर सेक्शन सी आता है अगला, ये होता है ग्रामर सेक्शन, इंपॉर्टेंट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया जाएगा, ये होगा 5 मार्क्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इसमें से 2 ऑप्शन होंगे, इसमें से एक सही होगा। फर्स्ट द बुक इज ऑन द फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे। फिर आई रोट अ लेटर, आवर टीम वॉन द मैच, ही इज एन इंडियन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसमें हिंदी में जो है इंग्लिश में आपको हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में लिखा गया है। या आपका क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा सकता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंग्लिश इनटू हिंदी। ओके, या हिंदी इनटू इंग्लिश ये हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है तो हिंदी में कि व्हाट इज योर नेम, क्या है इसमें तुम्हारा नाम क्या है। दोनों किसी प्रकार से भी आ सकते। क्वेश्चन 2, स्पीक स्लोली, धीरे बोलें। नेक्स्ट, इन विच क्लास यू आर स्टडी, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर
हमारे यहाँ स्कूल में दस कमरे हैं। टुडे इज वेडनेसडे, आज बुधवार है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हुआ क्वेश्चन नंबर एट आया डू एस डायरेक्टली। इसमें आपको एक ऑप्शन, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना होगा कि द अल्फाबेट विच कम्स आफ्टर यू एस, फिर विच लेटर इज साइलेंट द वर्ड ऑनर, तो साइलेंट कौन सा है, एच। माय ब्रदर डिलीवर्स लेटर, ही इज द लेटर डिलीवर को पोस्टमैन बोलेंगे। वी ईट डैश ऑन दिवाली, वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। विच नेशनल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी, जनवरी में होता है रिपब्लिक। सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेक्शन डी में प्रश्नों के प्रश्न दिए जाएंगे, उसके आपको उत्तर लिखने होंगे। हर प्रश्न के दो दो मार्क्स होंगे, इसमें फोर क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 होगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पोयम दी जाएगी और उसमें उससे संबंधित आंसर लिखेंगे आप। देखिए, तो ये पोयम दी गई है, इसी से क्वेश्चन बनाया है, व्हाट डस डाइवर्स मीन। ठीक है, अब व्हाट डस येलो गुड मीन, ट्रेवलर कुड नॉट ट्रेवल द बोथ रोड्स, हाउ गुड द फूड। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोयम इन योर बुक। आपको कविता किताब में जो कविता दी गई है उसके अंतर्गत क्वेश्चन है कि आपको फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ समरी ऑफ द पोयम द रोड नॉट बी टेकन। इसका सारांश, समरी का अर्थ होता है सारांश लिखना, सार लिखेंगे, होम मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट चेंज डू यू नोटिस द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड वंस ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। स्टोरी थी एक खोए हुए बच्चे की, उसके बारे में आपने जो उसके बिहेवियर के बारे में जो नोटिस किया बच्चे के, तो उसके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया रही, तो ये आपको लिखना है। ठीक, ये भी होम मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15th August 1947, why was the event historic and why did the recruits to start Shanghai school in the USA? ये four marks question से answer होगा। Next question आता है question 16, read the following passage, the answer following questions। फिर से passage आएगा, ये 5 marks का होगा, आपको उसी विधि से ठीक है। तो इस पैसेज में आपको ये जो है हु वाज नोन है खान साहब, खान साहब का जो नाम था वो क्या था, बी आएगा इसका उत्तर बिस्मिल्लाह। व्हाट इज अ एडवर्ब फ्रॉम द वंडर, तो वंडर का एडवर्ब क्या होगा, वंडरफुल। फिर बिस्मिल्लाह खान वाज नॉट फाउंड, तो क्यों कहा नहीं गए वो बनारस। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान नॉट गो टू यूएसए, इनके यूएसए न जाने का कारण क्या था। इस प्रकार ये फोर क्वेश्चन आपके पैसेज में है। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि इंग्लिश में आपको किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देना है और किस किस सेक्शन में कौन कौन से जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।